हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल इट्स मी आशीष आज की वीडियो में हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर वन को स्टार्ट करेंगे था फ्रेंच रिवल्यूशन सो तो इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर काफ़ी आपका इंटरेस्टिंग है सो तो इसको ध्यान से पढ़िएगा ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 मॉर्निंग में 14 जुलाई को सेवनटीन को द सिटी ऑफ पैरिस वॉज द स्टेट ऑफ अलाराम जो सिटी थी पैरिस वो अलाराम की स्टेट में थी अलाराम की स्टेट में मतलब वहाँ पर भगदड़ मची हुई थी भगदड़ म... अफड़ा तरफी थी द किंग हेड कमांडेड ट्रूप्स टू मूव इन द सिटी किंग ने क्या कर दिया था लोगों को लग रहा था कि उसने ट्रूप्स जो है उनको आर्मी को क्या कहते हैं ऑर्डर दे दिया है कि जो ये बात किस में फैल रही थी रूम रस में कि हमारे ऊपर जो है ओपन फायर किया जाएगा हमारे ऊपर बंदूकें चला दी जाएंगी सिटीजन पर यह बात फैल रही थी उसके बाद में सम सेवन हंड्रेड मैन एंड वुमेन गैदर इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल तो सात हज़ार मैन और जो वुमेन वो, वो कहाँ गैदर हुए टाउन हॉल में एंड डिसाइडेड टू पीपल टू मेक मिलिटिया अब उन्होंने क्या फॉर्म करने का सोचा मिलिशिया मिलिशिया क्या होता है आर्मी की तरह बिहेव करना दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स अब आर्म्स मतलब उन्होंने हथियार के लिए आर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पे हथियार हथियार के लिए उन्होंने बिल्डिंगों को तोड़ना शुरू कर दिया ठीक है अब हथियार के लिए मैंने लिया ग्रुप ऑफ 700 हंड्रेड पीपल मार्च टूवर्ड्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी एंड स्ट्रॉम द फर्स्ट ऑफ द बेस्टिल अब जो 700 हंड्रेड पीपल जो थे वो ईस्टर्न पार्ट की तरफ गए वहाँ पर कहता है वो फॉरेस्ट प्रिजन में पहुंच गए बेस्टिल के बेस्ट वेयर दे होप टू हॉर्डेड अमीशन उनको क्या लगा कि वहाँ पर जो है हॉर्डेड अमीशन का मतलब होता है कि वहाँ पर जो है हथियार छुपा कर रखे गए हैं ठीक है तो वो उसकी तलाश में प्रिजन ऑफ बेस्टिल पहुँच गए ठीक है इन द आर्म फाइट दैट फॉलोड द कमांड ऑफ द बेस्टिल वॉज किल्ड बाई प्रिजनर्स रिलीज थ्रू दी अदर सेवन अब उन लोगों ने क्या किया कि जो आर्म थी उसने क्या उन लोगों ने क्या किया कि जो बेस्टिल का जो कमांडर था उसको क्या कर दिया मार दिया गया ठीक है अब मारने के बाद में उन्होंने क्या किया द प्रजनर्स रिलीज थ्रू देवर ओनली सेवन ऑफ दैम और उसमें प्रिजनर्स जो कैदी थे वो कितने थे सात कैदियों को उसमें से रिलीज कर दिया गया एट द बेस्ट स्टिल वॉज हेटेड बाई पावर ऑफ द किंग उनको लग रहा था कि किंग जो है उन पर बिना अंकुश के राज कर रहा है मतलब कुछ नहीं कुछ उन पर कुछ है नहीं वो किसी भी मानने के दे रहा है तो वो उनको ये लग रहा था द फोर्थ प्रेस वॉज डिमोलराइज इंटू द स्टोन फ्रेगमेंट फॉर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल अब उन्होंने क्या था बिल्डिंग भी तोड़ दी और उन्होंने जो उसके जो पार्ट्स थे उसको कहाँ कर दिया मार्केट में भेज दी दैट डे इज दैट फॉलोड सॉम मोर राइटिंग बोथ इन द पेरिस एंड कंट्री साइड अब राइटिंग का मतलब क्या होता है दंगे अब जो पेरिस जो था वहाँ पर बहुत दंगे फैलने लग गए अब दंगे फैलने लग गए सो मोस्ट पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड और वहाँ के जो पीपल थे वो किस लिए लड़ रहे थे हाई प्राइस था ब्रेड का बहुत ज्यादा अब ब्रेड तो है उनकी रोज की चीज है अब उसके लिए भी वो हाई प्राइस कर रहे हैं बस लीडर द स्टोरियन लोग अपटो द बैक अपन द टाइम द बिगिंग ऑफ द चीन एंड इवेंट्स एक्जीब्यून ऑफ द किंग ऑफ फ्रांस ठीक है अब उसमें ये चीज़ सिर्फ सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं थी वहाँ पर जो ब्रेड थी उसी का प्राइस हाई था यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी ऐसे जो आ, पीपल्स होते थे जो गरीब पीपल्स होते थे उनसे क्या किया जाता था टैक्स लिया जाता था और सारी चीज़ें उन्हीं पर छोड़ दी जाती थी जो थर्ड स्टेट के पीपल होते थे उनसे टैक्स टे लिया जाता था सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड एंड फर्स्ट से बिल्कुल टैक्स नहीं लिया जाता था इसलिए उनके साथ काफी सारे वो हो रहा था थ्रो मोस्ट पीपल आर डू नॉट एंटिस दी आउटकम और इससे क्या आउटकम निकल के आया जो राजा था उसी को मार दिया गया ठीक है अब हाउ एंड वाई डिड हैपन ये जो था ये क्यों और कैसे हुआ ठीक फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट एटीन सेंचुरी अब एटीन सेंचुरी की फ्रेंच सोसाइटी ठीक है सेवनटीन सेवनटी फोर ऑफ फ्रांस वो लुई सिक्सटीन जो थे वो राजा बन गए थे बर्बन फैमिली के ही वॉज ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड वो कितने साल थे ट्वेंटी ईयर्स के थे एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस और उनकी शादी किससे हुई थी एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिसका नाम क्या था मैरी एंटन मैरी एंटोन ठीक है उसके बाद में उनकी शादी ऑस्ट्रियो जिसका नाम था अपॉन इस एक्सिशन एंड न्यू काइंड फाउंड ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी अब जब वो राजा बने उनको एम्प्टी ट्रेजरी मिली मीन्स ट्रेजरी का मतलब क्या होता है खजाना खजाना मीन्स उनको एम टी ट्रेजरी मिली अब एम टी ट्रेजरी क्यों मिली उनको क्योंकि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर है ड्रेन टी फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस मीन्स इतने सालों की जो वॉर था उसने फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको खराब कर दिया था इतने साल के बॉर्ड ने अब फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी उसको खराब कर दिया था एडिट टू वॉर ऑफ दिस कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द एग्रीमेंट एंड कोर्ट टू द एम्प्रेस प्लेस ऑफ वर्सलीज और उनको जो कोर्ट थी उसकी जो वर्सलीज थी मीन्स वर्सलीज वहाँ का एक बहुत बड़ा जो हॉल में वो रहते थे वो भी इतना बड़ा आता कि उसका जो खर्चा आता था वो भी बहुत ज्यादा आता था वर्सलीज का अंडर लुई सिक्सटी फ्रांस हेल्प टू थर्टीन अमेरिकन कॉलोनीज और उसने किसकी हेल्प की थी थर्टी अमेरिकन कॉलोनीज की टू गेन इंडिपेंडेंस इन दी कॉमन एनिमी ब्रिटेन और अब उनका जो एनीमी था वो कौन था ब्रिते। फ्रांस की लड़ाई थी किससे ब्रिटेन से और ब्रिटेन की लड़ाई किससे थी अमेरिका से तो दुश्मन का दुश्मन कौन होता है दोस्त होता है तो दुश्मन का दुश्मन फ्रांस और ब्रिटेन का दुश्मन जो था अब अमेरिका क्या हुआ उसका दोस्त हुआ था तो उसने उसको इंडिपेंडेंस डर में हेल्प की द वॉर एडिड मोर देन द बिलियन लेबर्स ऑफ दू मोर देन टू बिलियन लेबर्स और उनके ऊपर बहुत सारा

वो होने लग जाएगा टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसिस येट इवन द मेजर वुड नॉट है अब बट उन्होंने इतने सारे टैक्स बढ़ा दिए बट उसके बाद में भी जो था ये भी उनके लिए बहुत नहीं था अब फ्रेंच सोसाइटी इन द एटीन सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इन द थ्री स्टेट अब जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड थी वन टू थ्री स्टेट्स में एंड ओनली मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट टैक्स और उसमें किस कौन से मेम्बर थे थर्ड स्टेट के जो मेम्बर थे सिर्फ और सिर्फ वही टैक्स को पे करते थे अब इसको डायग्राम से समझते हैं तो फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे कलर्जी सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी और थर्ड स्टेट में कौन आते थे थर्ड स्टेट की कितनी कैटेगरीज हैं आप तीन पहले तो आपकी तीन कैटेगरीज उसके बाद में थर्ड स्टेट की भी तीन कैटेगरीज एक दो तीन अब जो फर्स्ट स्टेज में तो उसमें कौन आते थे बिग बिजनसमैन आते थे ऑफिसर्स आते थे लॉयर्स आते थे मीन जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते थे वो सेकंड में आते हैं फीजेंस एंड आर्टिशन मतलब जो बड़े फीजेंट्स होते थे थोड़े बहुत और आर्टिशंस और थर्ड में कौन आते हैं स्मॉल फीजेंट लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स और नौकर और जो लैंडलेस लेबर्स होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती स्मॉल फीजेंट्स ठीक है मीनस पहली स्टेट में क्लर्जी दूसरे में नोबिलिटी और थर्ड में भी तीन आपके जो थे सब पार्ट थे मीन्स उसमें पढ़े लिखे लोग भी आते थे थोड़े बहुत और जो लॉयर्स वगैरह होते थे वो भी आते थे पीजें थीशियन और स्मॉल पीजेंट लैंडलेस लेबर और सर्वेंट्स ठीक है मीन्स अब जो कुल मिला के बात कहती थी कि जो थर्ड स्टेट की जो लेबर थी उसी को क्या बढ़ना पड़ता था थर्ड स्टेट की जो पीपल थे उन्हीं को क्या बढ़ना पड़ता था टैक्स देना पड़ता था पूरा का पूरा और जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो पीपल थे उनकी क्या आ रही थी मौज आ रही थी उनको क्या करना था टैक्स देना नहीं पड़ता था अब द सोसाइटी ऑफ ए स्टेट वॉज पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम एंड डेटेड बैक टू द एजेस अब वहाँ पर क्या था फ्यूडल सिस्टम था मीनस लोगों के पास अपनी जमीन तो थी नहीं तो दूसरों की जमीन पर अपनी फसल करना उसको क्या बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम मीन्स आदि जो होता है वो रख लेता है आदि जो होती है वो हमें मिल जाती है सिस्टम ऑफ स्टेट ऑफ फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज अब जो सिस्टम था फ्रेंच सोसाइटी वो कैसे ऑर्गेनाइज था फीजेंस अपॉफ नाइन्टीट ऑफ देशन फीजेंस नाइनटी परसेंट पॉपुलेशन थे बट हाउर देर स्मॉल उनके पास क्या जो लैंड थी अबाउट सिक्सटी परसेंट ऑफ लैंड बाई नोबल्स सिक्सटी परसेंट जो लैंड किसकी थी नोबल्स की जो किस में आते थे फर्स्ट कैटेगरी में आते थे ठीक है नोबल्स की थी नोबिलिटी क्लर्जी ये सारे आते थे ना उसी में एंड द चर्च एंड द अदर दिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट और किसके पास थी जो थर्ड स्टेट के थोड़े रिचर मेंबर थे रिचर मेंबर कैसे जैसे मैंने आपको दिखाया था ना लॉयर वगैरह जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है बिग बिजनसमैन मर्चेंट्स कोर्ट्स ऑफिशियल्स लॉयर्स ये सारे जो थे वो उसमें आ जाते थे अब उसके बाद में क्या हुआ द मेबर्स ऑफ फर्स्ट टू स्टेट्स इन द नोबिलिटी इंजॉय सर्ट इन ऑफ माई बर्थ अब उनको क्या होता है जन्म से वो जिस घर में पैदा होगा मीन्स क्लर्जी और नोबिलिटी में पैदा हुआ तो उनकी तो मौज आ जा जाती थी क्योंकि थर्ड स्टेट के जो लोग थे सारा उन्हीं को टैक्स देना पड़ता था द मोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर एक्सपेंशन ऑफ पेविंग टैक्स फॉर द स्टेट अब उनको टैक्स देने पड़ते थे नोबल्स फॉर दॉ फ्यूडल प्रविलजेस दे इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज एंड एक्सटेड ऑफ लॉड एंड वर्क इन द हाउस एंड फील्ड टू सर्व द आर्मी टू पार्टिसेट द बिल्डिंग रोड ठीक मीनस इसका खुलना का मतलब क्या है जो थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे उन्हीं को सारा टैक्स देना पड़ता था थर्ड स्टेट वाले लोगों को सारा सारा काम जो था थर्ड स्टेट वाले ही लोग करते थे चर्च टू एक्सेप्ट द ईयर ऑफ टैक्स कॉल्ड तिथ्स अब चर्च को भी जो था उनको टैक्स देने पड़ते थे उसका नाम क्या था तिथ्स फ्रॉम द फीज एंड फाइनली ऑल मेमो थर्ड पे टैक्स टू द स्टेट अब ये भी इसको देना पड़ता था थर्ड स्टेट वाले लोगों को ये चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था ठीक है अब उसके बाद में एंड ऑल एंड दे इंक्लूड एड डायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का नाम क्या था टेली मीन्स जो चर्च को देते थे उसका नाम क्या था तिर्स ये चर्च को दिया जाता था और ये इसको दिया था गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को दिए जाने वाले टैक्स का नाम क्या था टेली एंड चर्च को दिए जाने वाले का तिस् ठीक है एंड द नंबर ऑफ इंड टैक्स एंड द लिविथ द आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे कंजम्पन उनकी जो एवरीडे कंजम्पन जो उनकी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी जैसे सॉल्ट जो था वो इम्पॉर्टेंट एक फूड आइट फूड एसेंशियल फूड आइटम जैसे सॉल्ट उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता है टोबैको पर भी बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज स्टेट होते थर्ड स्टेट ये सारा बर्डन किस पर था थर्ड स्टेट वाले लोगों पर मींस जो थर्ड स्टेट में बाय बर्थ जो मतलब पैदा हो गया थर्ड स्टेट में उस पर ये सारी सारा जो बोझ था वो आ जाता था आप इस डायग्राम में देख सकते हैं मीन्स जो इसके पास है ये सब कुछ है और ये इसको लाकर तब भी ये ये दे रहा है जो इसके हाथ में झोली है मीन थर्ड स्टेट वाला है ये जो इनको लाकर दे रहा है नोबिलिटी में से कोई होगा ठीक है स्ट्रगल टू सर्वाइव अब सर्वाइव करने के लिए भी उनको स्ट्रगल करना पड़ता था मीन्स उनके रोज़ की जिंदगी जीने के लिए भी द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज अबाउट ट्वेंटी थ्री मिलियन सेवनटीन फिफ्टीन की पॉपुलेशन सेवनटीन फिफ्टीन में कितनी थी ट्वेंटी थ्री मिलियन और 1789 में कितनी होगी 28 मिलियन पॉपुलेशन थी वो तो क्या हुआ वो इंक्रीज़ हुई द लीड ऑफ रैपिड इंक्रीज ऑन द डिमांड्स ऑफ फूड ग्रेन और जो फूड की जो डिमांड थी वो भी इंक्रीज हो पाई जब ज्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा फूड की जरूरत होगी प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स को नॉट पेज टू द डिमांड द प्राइस ऑफ ब्रेड वॉज द स्टेबल डाइट ऑफ द मेजोरिटी अब जो प्राइस था जो ब्रेड का वो तो बहुत हाई था और वो क्या है स्टेबल डाइट है वहाँ के लोगों के लिए अब मोस्ट वर्कर्स व एम्प्लॉयड एंड लेबर्स इन वर्कशॉप अब जो वर्कर्स थे जो दूसरों की लेबर बनकर काम करते थे तो उनके वर्कशॉप पर और उनके जो क्या थे वेजेस जो जो थे फिक्स, फिक्स थे मींस वहां की जो पॉपुलेशन थी वो तो बढ़ रही थी बट जो उनके वेजेस थे वो बढ़ नहीं रहे थे मींस वो पहले के टाइम पर भी उतने थे अब तो अभी अभी उतने ही थे बट वेजेस डिड नॉट पेस टू तो राइज इन प्राइज बढ़ नहीं रहे थे अ गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच माइंडेड और जो पुअर के और रिच के बीच में गैप आता जाता रहा मीन्स जो पुअर था वो पुअर होता जा रहा था वो और नीचा जाता जा रहा था और क्या कहते हैं जो और जो और जो रिच था वो और और अमीर होता जाता रहा था मीन थर्ड स्टेट वालों से टैक्स लेता रहता था और वो अमीर होता रहता था अब उन पेजेस थे वो बढ़ नहीं रहे थे और जिसकी वजह से क्या होता पुअर और लार्ज लोगों में गैप आता जा रहा था एंड थिंग्स बिकम्स वर्स एंड ड्राउट एंड हेल्स रिड्यूस टू हार्वेस्ट अगर वहाँ पर सूखा पड़ जाए और बाढ़ वगैरह आ जाए तो वहाँ की इतना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता था अगर सूखा पड़ जाए और किसी चीज़ की कमी हो जाए उसकी वजह से ठीक है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इंस्टीट्यूट द एंड ऑफ प्रिवेज अब मिडिल क्लास जो थी वो कैसे ग्रो कर रही थी इन दी पास्ट पीजेंसूट रिवॉल्व इनकी फूड सिक्योरिटी पीजेंट्स ऑफ वर्क वो रिवॉल्स करती थी आंदोलन करती थी बट उसके लिए क्या होता था कि जो पीजेंट वर्क का आंदोलन करते फिर उनको दबा दिया जाता था बट द लैक द मीन्स ऑफ द प्रोग्राम कैरियर द फुल स्केल मीन्स उनके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जो उसको एक बड़े स्केल uh, पर लेकर जा पाए और उनके जो प्रोग्राम्स थे वो चल पाए उनकी बात सुनी जाए सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाए जाएँ ठीक है

एटीन सेंचुरी के जो पीपल होते थे मिडिल क्लास वाले वो क्या करते थे अपनी वेल्थ के लिए मतलब अपने खान पान के लिए वक्सपेंड एक्सपेंड ओवरसीज करते थे मैनुफैक्चर करते थे गुड्स और सर्विसेज का जैसे सिल्क ते टेक्सटाइल हो गई ये सारी चीज़ें इन एडिशन ऑफ मर्चेंट्स एंड मैनुफेक्चर था थर्ड स्टेट इंकलूस प्रोफेशन एज लॉयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और थर्ड स्टेज में कुछ लॉयर्स भी थे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी थी मीस थर्ड स्टेट जो थी वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइड थी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट स्टेट में जो कौन आते हैं बिग बिजनेसमैन आ जाते थे मर्चेंट्स आ जाते थे लॉयर्स आ जाते थे ठीक है ऑल ऑफ दीज वर एजुकेटेड एंड बिलीव दो ग्रुप ऑफ सोसाइट वर प्रिवेज बाई पर्थ मीन्स वो 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 लोग एजुकेटेड थे पढ़े लिखे थे तो उनको क्या लगता था और ये सही भी लगता था उन और वो क्या सोचते थे कि जो मतलब जो प्रिविलेज मतलब बाय बर्थ जो जिस घर में पैदा हो गया उसको उस तरीके का अधिकार नहीं मिलना चाहिए Means, जो क्लर्जी और नोबिलिटी में हो गया पैदा अब उसको तो कोई टैक्स देना पड़, देना नहीं पड़ेगा बट जो थर्ड स्टेट में हो गया उसके ऊपर तो सारा बोझ आ जाएगा ठीक है रहता है पर्सन सोशल पोजिशन पर डिपेंड ऑन दी मेरिट उसकी जो सोशल पोजिशन है वो मेरिट पर आधार पर होनी चाहिए मीन्स वो पर्सन कितना काबिल है उस सोसाइटी उसटवीन द पीपल्स ऑफ इक्वल लॉज अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर ऑल एंड प्रोवाइड द सच फिलोसफर्स जॉन लॉक एंड जीन जॉन रेसो अब अब सोसाइटी में क्या हो इक्वल राइट्स मिले सबको सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो किसने जो हमारे कि फिलोसोफर्स हैं उन्होंने दिए जैसे जॉन लॉक एंड जीन जोस ड्रोसो दे आर टू टर्सिज ऑफ गवर्नमेंट अब ये दो टर्सिजी जैसे लॉक ने क्या कहा लॉक्सऑट द रिफ्यूज ऑफ डिस्ट्री डिमेंस ऑफ एब्जोट राइट ऑफ मोनार्क ठीक है अब देश में से जो है मुनार की हटाई जाए की किसी हटाई जाए एक मीस ये जरूरी तो नहीं है कि राजा के बेटा राजा हो जिसको जितने उसकी क्षमता है उसको उस हिसाब से मतलब जिसको जो जिस लाया गया उसको उस हिसाब से चीजें मिलनी चाहिए ठीक है ये उन्होंने कहा कि राजा के बेटा राजा बनना है कोई लॉजिक तो है नहीं अब रूसो कैरिट द आइडिया फॉरवर्डिंग प्रोपोजल फॉर तो द फॉर्म ऑफ गवर्निंग स्प्रिट ऑफ कॉन्ट्रेट बिटवी पीपल एंड द रिप्रेजेंटिव अब रूसो ने क्या कहा कि एक फॉर्म बनाई जाए गवर्नमेंट की जिसमें जो पीपल हो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुने ठीक है और उसमें क्या हुआ

तो जॉन ने क्या कहा था कि जो मोनार्की का जो सिस्टम है उसको हटाया जाए रूसो ने कहा कि जो सोशल uh, मीन्स जो क्या कहते हैं पीपल्स को अधिकार हो अपने रिप्रेजेंटेटिव uh, चुनने का वो खुद चुनने जैसे हम चुनते हैं हम um, किसी को वोट देते हैं वो पाँच साल तक हमारे ऊपर क्या करते हैं रूल करता है ठीक है दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट पुट इन फोर्स ऑफ यू एस ए किस में आया था यू एस ए में आया था सबसे पहले जो थर्टीन अमेरिकन कॉलोनी जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश सचिवेशन वॉज गारंटेड थु� इंडिविजुअल राइट वहाँ पर सबको इंडिविजुअल राइट्स है ठीक है The ideas of philosophers आइडियाज ऑफ फिलोर डिस्कजन कॉफी हाउस अब जो आइडियाज थे उन फिलोसफर ने दिए थे कहाँ डिस्कस होने लगे सैलून में जहां बाल कटाने जाते कॉफी हाउसेज में और ये स्प्रेड होने लगे बुकों में छपने लगे न्यूज पेपर में छपने लग गए दे वर फ्रिक्वेंटली रीड अलाउड इन द्रुप ऑफ द बेनिफिट ऑफ दी गुड नॉट रीड एंड राइट अब जिन लोगों को लिखना नहीं आता था पढ़ना नहीं आता था वो ग्रुप्स में बैठते थे जैसे लुक्ड़ों पर बैठ जाते चौराहों पर जैसे अब चाय पीड़े होते हैं बातें होने लग जाती है न्यूज पेपर पढ़ने लग जाते इस तरीके से द न्यूज दैट लुइज सिक्सटीन प्लान टू इम्प्रोज फॉर दट एक्सटेंड एबल टू मीज एक्सपेंडिचर जनरेट एंगल टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस मींस उनको क्या उनको ये न्यूज़ मिली थी कि जो लुईस सिक्सटीन जो है वो प्लान कर रहे हैं उनके ऊपर और ज़्यादा टैक्सेस लगाने के ठीक है तो उन्होंने क्या करना शुरू किया प्रोटेस्ट करना शुरू किया उसके खिलाफ ठीक है वो तो अभी हमारे काफ़ी चैप्टर है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे